Lions Club International District 322F presents The Lions Talk Show, an initiative taken by Lions Club of Blazing Aces, supported by Dream Studio, concept by MJF Lion, Arihant Rakhecha. Hello viewers, thank you for all the love and support that you have shown us. We are back with another exciting episode of The Lions Talk Show. Today, we have a guest who has a long list of accolades to his name. He joined Lions Club in the year 1997 from his home club, Lions Club of Mal. And by profession, he is a civil engineer. He is also associated with many other organizations like Caesars Educational Trust, BTMS Orphan Society, Ukyatan Natya Sanstha and a few more. He has also served in various posts in the district cabinet since 2005, and today he is the first vice district governor of 322F. Let's welcome one of the most humble person, Lion Shankar Kumar Dasji. We welcome you, sir. So many organizations and as many portfolio. What's been the driving force behind this sort of commitment? Actually, ये मेरा family tradition है. मेरा पिताजी भी बहुत सारे संस्था से जुड़े थे. जी. वो active politics में था. वो trade union भी करते थे, labour trade union. जी. फिर कोई school का managing committee का secretary, कोई school का president. ऐसे मैं जो student life में मैं भी एक फैमिली कल्चर हो गया हम लोग का. जी. मेरा यंगर ब्रदर जो है वो भी अभी माल म्यूनिसिपलिटी का काउंसिलर है. तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का घर में ऐसा कल्चर था, सबका साथ जुड़े हुए रहते थे हम लोग. जी. तो क्या थोड़ा मुट्ठी भर फ्रेंड से दिल नहीं भरता, बहुत ज़्यादा चाहते हैं हम लोग. जी. तो ये अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम लोग. बिल्कुल. यू वर द प्रेसिडेंट for two consecutive years, for 2003 and 2004. Was there no one willing to take up the responsibility of leading, or you were just too good to be replaced? Aisa nahi hai. Actually, main president bana tha 2002-3-4. Ji. To mera pehle 1990 se leke local club mein aisa practice tha. Ji. Har president 2 saal continue karte the. Ji. To mera baad bhi jo president tha wo bhi 2 saal continue kiya. Okay. Phir hum log 2006 तक एक कंटिन्यू हुआ. जी. उसके बाद हम लोग क्या किया, सोचा देश हर क्लब में तो एक ही साल करते हैं, तो हम लोग क्यों दो साल का ये तोड़ना चाहिए हम लोग का. जी. तो आफ्टर 2006 हम लोग क्या किया, एक साल कर दिया. अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है. जी. ग्रांट्स आर वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन to function smoothly. What are the various grants and the criteria to obtain them? Could you please throw some light on the all important aspects of grant? So, Lions में हम लोग का दो fund है जिसमें club को project के लिए grant मिलते हैं. जी. एक है district में DFF, District Fund Foundation. जी. और एक है international में LCIF. जी. Lions Club International Foundation. DFF का जो है इसमें हम लोग का जो मेंबर है, हम लोग क्लब का मेंबर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में. जी. जैसे एक एक मेंबर लाइफ मेंबर बनने के लिए 2500 रुपीस उसका कंट्रीब्यूट करने पड़ता है. ओके. वो मेंबर अगर फिर सब्सिक्वेंटली 2500 देंगे तो टोटल 5000 हो गया, तो वो डायमंड मेंबर बन गया. ओके. फिर 10000 देने से वो डबल डायमंड मेंबर बन गया. इसी तरह ये DFF का फंड हम लोग का अकोमोडेट होता है. इससे क्या है, इससे फंड लेने के लिए क्या करना होता है, एक साल में हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 6 लाख को हाईएस्ट 2 लाख तक हम लोग फंड देते हैं. जी. ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट देने पता है इसके लिए क्राइटेरिया ये है, वो क्लब को 2 साल पुराना होना पड़ेगा. ओके. क्लब शुड बी अ गुड स्टैंडिंग. और एक है जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे उसका टोटल जो कॉस्ट आएगा उसको 25% मैचिंग फंड क्लब की तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ओके. इसी तरह से हम लोग DFF से फंड ले सकते हैं. जी.
सिर्फ ये ये नहीं, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में देखिए आप सर्विस एक्टिविटी में काफी काम होता है जी। लास्ट ईयर हम लोग का अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जी। इसमें भी ये फंड से हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। इस साल कुछ दिन पहले हम लोग का सुई धागा एक प्रोजेक्ट आया जी, इसमें भी पार्ट हम लोग DFF से कंट्रीब्यूट किया। ओके। और एक हो गया हम लोग का इंटरनेशनल का LCIF जी। LCIF में काफी सारे ग्रांट्स है जी। LCIF में पहले कंट्रीब्यूशन के बात बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली LCIF हम लोग का स्टार्ट हुआ था 1968 में। ओके। ये फंड शुरू हुआ था उसमें 1973 में एक आइडिया लिया MJF, आपको मालूम होगा मेलबर्न जोन्स फेलो। यस। ये मेलबर्न जोन्स फेलो बनने के लिए आपको $1,000 वन टाइम कंट्रीब्यूट करना होता है LCIF में जी। इसी तरह ये फंड जमा होते हैं। फिर लास्ट 2017 में जी एक नया ड्राइव आया, कैंपेन 100। इसमें क्या हुआ, 5 ईयर्स का टारगेट लिया गया जी। टोटल टारगेट था $300 मिलियन अभी ये फाइव ईयर्स से अभी एक साल एक्सटेंड हुआ, अभी 2023 तक ये 30th June तक ये कंटिन्यू करेगा। ओके। इसमें काफी सारे फंड एक्चुअली बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जमा हो गया ऑलरेडी। और ये फंड में क्या, ये दोनों फंड मिला के जो फंड हुआ, ये जो कैंपेन 100 का फंड, ये स्पेशल ड्राइव था, इसका क्या टारगेट था, एवरी ईयर 200 मिलियन पीपल का सर्व किया जाएगा जी। बहुत सारे हम लोग का सर्विस एक्टिविटी है इंटरनेशनल का, आपको मालूम है जो मेन जो 5 हम लोग का एरिया है जो सर्विस करने का जी, डायबिटीज है, हंगर है, एनवायरनमेंट है, पेडियाट्रिक कैंसर है, साइट फर्स्ट है, साइट फर्स्ट। इसके अलावा भी यूथ डेवलपमेंट भी कच्चा होता है। ओके। तो क्या है, इसमें हम लोग का फंड लेने का ये जो ग्रांट है, सबसे पॉपुलर ग्रांट है मैचिंग ग्रांट। ओके। ये क्लब को इसका क्राइटेरिया है, इसमें आपको $10,000 से लेके $100,000 तक एक क्लब को मिल सकते हैं। ओके। इसका नाम ही है मैचिंग ग्रांट, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको 25% इसमें क्लब को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। 25% क्लब विल कंट्रीब्यूट जी फॉर एनी प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये फंड मिलेगा। ओके। नॉट फॉर फिक्स्ड एसेट्स। जी। तो आप कोई ऐसा कर सकता है कि आप मान लीजिए आपको कोई पैथोलॉजी का लैब है, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है जी, तो उसमें आपको मिल सकता है। ओके। और रनिंग होना चाहिए जी, ऐसा है। और सेकंड है डिस्ट्रिक्ट क्लब कम्युनिटी इंपैक्ट ग्रांट। ओके। ये भी बहुत पॉपुलर ग्रांट है। ऐसा है कि कोई क्लब अगर $5,000 से लेके इससे ऊपर, मिनिमम 5,000 एक लाइन स्टिक यार, मतलब 1 जुलाई से लेके 30th June तक कोई क्लब अगर LCIF में कंट्रीब्यूट करते हैं जी, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका 15% नेक्स्ट ईयर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए मिल सकता है। ये वेरी सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ एक एप्लीकेशन देने से प्रोजेक्ट में आपको ये ग्रांट मिल जाएगा। तो लेकिन ये नेक्स्ट ईयर उसी जो जिस साल में आप कंट्रीब्यूट करेंगे उस साल में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 15 ईयर तक ये फंड आपके लिए रिजर्व रहेगा। ओके जी। 15 ईयर प्लस करने से आपको नहीं मिलेगा। ओके। ये भी बहुत पॉपुलर हम लोग का ग्रांट है इसलिए LCIF का। थर्ड है डायबिटीज ग्रांट जी। डायबिटीज ग्रांट के लिए आपको जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल पुराना होना पड़ेगा, इसमें भी 25% आपको मैचिंग ग्रांट देने पड़ेगा। और इसका अपर लिमिट है $150,000 जी। थर्ड है, फोर्थ है आपको साइट फर्स्ट ग्रांट। साइट फर्स्ट ग्रांट ये ग्रांट सबसे अच्छा ग्रांट है, इसलिए बोल रहा हूँ इसका ना कोई मैचिंग अमाउंट लगता है जी, ना कोई अपर लिमिट है। ओके। लेकिन ये उसी क्लब को मिलेगा जिसका मान लीजिए आई हॉस्पिटल से जी उसका डेवलपमेंट के लिए। ओके। तभी मिलेगा ये। रिसेंटली आपको मालूम है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ग्रेटर कालियागंज और कुचबिहार मिला के 3.5 करोड़ का एक ग्रांट मिला इसका। ओके। साइड फर्स्ट जी, इसका कोई क्योंकि इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ओके। जितना तक मुझे मालूम है इतना एक ग्रांट में इतना पैसा कभी कोई डिस्ट्रिक्ट को मिला नहीं हम लोग का मल्टीपल में, कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला।
बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, क्योंकि एक साथ 3 हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो रहा है जी। ये हम लोग का ग्रेटर का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है इसलिए मिला, एंड सर्विस कितनी स्ट्रांग हो जाती है इतना फंड आने के बाद जी। अच्छा मल्टीपल में हम लोग का जो आय का ऊपर जो काम हो रहा है इसमें ग्रेटर का जो सर्विस है बिल्कुल, वो तो अब सारे मल्टीपल में नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सर्विस दैट दे हैव बीन प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी राइट। ये छोड़ के हम लोग का है और कुछ ग्रांट है जैसे इमरजेंसी ग्रांट, ये क्लब को नहीं डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं। मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, इसके लिए $10,000 तक इंस्टेंट मिलता है। लेकिन इसके भी इसमें भी है जो डिजास्टर का जो डेट है उससे 30 days के अंदर आपको एप्लीकेशन देने पड़ेगा। अलावा इसके अलावा है आपको लियो ग्रांट, एक साल में डिस्ट्रिक्ट को $2,500 मिलता है। फिर आपको क्वेस्ट ग्रांट, क्वेस्ट ग्रांट में भी डिस्ट्रिक्ट को मिलता है मैक्सिमम $50,000 तक जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट का हो गया। और एक चीज आपको हम बताना भूल गया, वो है जो कम्युनिटी इम्पैक्ट ग्रांट बताया था ना जी, ये क्लब को 5,000 का ऊपर जो मिलेगा 15%। लेकिन कोई क्लब अगर 5,000 नीचे कंट्रीब्यूट करते हैं, मान लो कोई कोई क्लब से 1 MGF हुआ, अगर 2 MGF हुआ, मतलब 4,000 से नीचे हो गया जी, ये भी पैसा मिलेगा। लेकिन मिलेगा किसको, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट में अगर उसमें भी मिनिमम 10,000 एक डिस्ट्रिक्ट से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। वो डिस्ट्रिक्ट वो पैसा से जो अभी सुविधा का जो प्रोजेक्ट हुआ जी, ये लास्ट ईयर हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी का टाइम में जो जितना हम लोग का NGO कंट्रीब्यूशन हुआ जी, उसमें जो क्लब का 5,000 जो नीचे था ना जी, उसको 15% डिस्ट्रिक्ट को मिला। ओके, उससे हम लोग ये सुविधा का प्रोजेक्ट किया जी। तो इस बार अपना ये पैंडेमिक COVID-19 सिचुएशन के लिए भी क्या कोई ग्रांट हमें मिला है? नहीं, कोविड के लिए हम लोग का ऐसा कोविड के लिए नहीं, लेकिन हम लोग का ग्रांट मिला है इसमें सिर्फ कोविड के लिए नहीं, हम लोग का जो मास्क है, सैनिटाइजर है, इस सब के लिए हम लोग का ग्रांट मास्क सैनिटाइजर एंड जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऑल ओवर में किया कोविड जो लॉकडाउन के पीरियड में पूरे लायंस फर्टिनिटी ने किया है। लेकिन हम लोग का क्या एक आइडिया है हम लोग का कि इंटरनेशनल से ग्रांट इजी नहीं मिलते हैं, बहुत टफ है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको तो पेपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा यहाँ भी है, आपको तो LCF में तो उसको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, उसका क्या आउटकम आएगा, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट फ्यूचर कैसा होगा, वो कैसे कितना आदमी को हम सर्व कर पाएंगे, ये सब को हमको देना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल। तभी तो हमको ग्रांट मिलेगा। तो हम लोग होमवर्क करेंगे तब तो हम लोग को मिलेगा, नहीं करके हम लोग अगर सोचेंगे नहीं तो बहुत टफ है तब तो नहीं होगा। So this was our first VDG line, Shankar Kumar Das ji, today, who has given us knowledge about all the various grants that any club can take from our district and from international. So thank you, sir, for enlightening us and guiding us all the way. Thank you very much. Main dhanyavaad dena chahta hu Lions Club Siliguri Blessing SS aur Dream Studio ko jo aap log aaj ek innovative project leke aaya. Mujhe lagta hai ye project बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं मल्टीपल या लायंस वर्ल्ड में ये एक दिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you.